अब स्टैट्स चालू करते हैं आज के सेशन में। देखो स्टैट्स में क्या है, स्टैटिस्टिक्स इज अ टॉपिक विच डील्स विद अ लॉट ऑफ नंबर्स। बहुत सारे नंबर होंगे और कुछ वेज हैं उन नंबर्स का कुछ मीनिंग निकालने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इनको हम सेंट्रल टेंडेंसीज भी बोलते हैं। सो देर आर थ्री, विच इज मीन, मीडियन एंड मोड। सो वॉट वी आर एसेंशियली ट्राइंग टू डू इज देर इज अ लॉट ऑफ डेटा एंड वी आर ट्राइंग टू डिवाइस अ मैकेनिज्म टू मेक सम मीनिंग आउट ऑफ दैट डेटा। नाउ जैसे स्कूल में जब हमारे टेस्ट होते हैं तो आफ्टर द टेस्ट इज कंडक्टेड, जब मैम पेपर बांटती है तो मैम कहती है, हाँ देखो एवरेज, लेट से आउट ऑफ 50 का टेस्ट था तो एवरेज वॉज अराउंड 30, यू गॉट 35, सो यू आर अबव एवरेज, यू गॉट 23, यू आर बिलो एवरेज बिकॉज एवरेज इज 30, सो यू आर बिलो और अबव एवरेज। सो वॉट दे ट्राई टू एसेंशियली डू इज एक मार्क्स ऐसे निकाल लेते हैं जो मैक्सिमम लोगों के पास हो, मतलब उसके आसपास नंबर होंगे, तो मीन बिकम्स 30। अब क्या होगा, कोई 49 भी होगा, कोई 50 भी होगा, कोई 45 भी होगा, बट बल्क का नंबर जो होगा वो होगा 23, 25, 29, 30, 32, 35, इसके बीच में बहुत सारे बच्चों के नंबर होंगे। तो जब हम वैल्यू निकालेंगे तो मीन, मेरा एवरेज वैल्यू आप कह सकते हो ऑफ द मार्क्स बिकम्स 30। ठीक, एवरेज वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो भाई, सारे बच्चों के 40 बच्चों के नंबर आप जोड़ लो, जिसके जितने भी आए हो 40 नंबर ऑफ टाइम्स ऐड करो, डिवाइड बाय 40 कर दो, दैट बिकम्स द एवरेज, दैट इज मीन। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यू ऐड ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यू गेट वैल्यू ऑफ मीन और एवरेज। तो एवरेज हो गया मीन। अब इसके बाद एक चीज होती है मीडियन। मीडियन क्या बताती है कि एग्जैक्टली बीच वाली वैल्यू क्या है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपके आपका एवरेज क्या है। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं कहूं क्लास में मार्क्स, या लेट से चार पांच वैल्यूज लेते हैं, 2, 5, 7, 9 और 11, ठीक है, 2, 5, 7, 9 और 11 में मीडियन विल बी एग्जैक्टली द मिडिल वैल्यू विच इज 7, ठीक है, जिसके इस तरफ भी दो डिजिट्स हैं और इसके इस तरफ भी दो हैं। सो मीडियन इज दैट वैल्यू विच एग्जैक्टली डिसाइड्स द मिडिल पॉइंट ऑफ दोज नंबर ऑफ वैल्यूज। अब अगर ऑड होंगे तो डायरेक्टली मिड वैल्यू आ जाती है, अगर इवन होंगे तो एक और फॉर्मूला होता है, अभी अपन देखेंगे। ऑल्सो टू फाइंड मीडियन जस्ट बाय लुकिंग एट द डिस्क्रीट डेटा सेट, यू विल हैव टू फर्स्ट अरेंज इट इनटू एन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। विदाउट अरेंजिंग इनटू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर यू विल नेवर बी एबल टू आइडेंटिफाई द मीन, द मीडियन। अब इट माइट हैपन कि जब हमने क्लास का मीन निकाला तो मीन हमें 30 मिला, बट जब हमने क्लास में 40 बच्चों के मार्क्स लिखे तो जो बीच वाला मार्क्स था वो हो सकता है 25 हो, मतलब उसके 25 के इस तरफ भी उतने ही हैं, 25 के इस तरफ भी इतने। मीडियन इज नॉट इक्वल टू मीन इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। नेक्स्ट सेंट्रल टेंडेंसी होती है मोड। मोड वो होता है जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज आती हैं। फॉर एग्जांपल हमने देखा क्लास में मार्क्स में मीन 30 था, बट ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों के 40 में से 10 बच्चों के मार्क्स 35 थे। सो 10 इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ 35 इन ऑल द मार्क्स, तो 35 बिकम्स द मोड। जहां पे भी अकरेंस हाईएस्ट हो जाएगी वो मोड हो जाएगा, करेक्ट। सो मीन समझ लिया हमने, मीडियन समझ लिया, मोड समझ लिया, इसके इस साल फॉर्मुलेज हैं, ये समझना जरूरी है कि क्या होता है मीन, मीडियन, मोड, नहीं तो समझ नहीं आता। वी आर जस्ट अप्लाइंग फॉर्मूला, सो यू शुड नो वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम। फिर मीन, मीडियन, मोड के बाद जो एक और चीज इस साल हमारे आती है वो होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है, या उनको हम ओजाइव्स भी बोलते हैं। तो उसमें एक ग्रेटेस्ट और एक लीस्ट, दो टाइप के ओजाइव होते हैं विच वी विल डू इन सम टाइम। और उसके अलावा टॉपिक इज प्रिटी सिंपल, प्रिटी इजी, तो बस इसमें कैलकुलेशन का ध्यान रखना होता है, ये नहीं होना होना चाहिए कि हमारी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए। सो देर आर सम टिप्स एंड ट्रिक्स टू सी कि जो हमने आंसर निकाला है वो सही है कि नहीं, जो मैं अभी तुम्हें बताऊंगा जब व्हेन आई स्टार्ट
टेकिंग ईच ऑफ देम इंडिविजुअली, ठीक है। सो अब इसके बाद अपन मीन से चालू करते हैं। मीन का पहले फॉर्मूला देखते हैं। मीन निकालने के देर आर थ्री फॉर्मूलास इस साल। एक तो है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है एज्यूम्ड मीन, और तीसरा है शॉर्टकट मेथड या स्टेप, तीसरा है स्टेप डेविएशन। पहला है डायरेक्ट, दूसरा एज्यूम्ड मीन, तीसरा स्टेप डेविएशन। डायरेक्ट में तो अपने को सीधा सीधा क्या करना है, देखो क्वेश्चन किस टाइप का आएगा अब हमें इस साल वो देख लेते हैं और फिर उसको सॉल्व करने का तरीका देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें पहले तो एक क्लास इंटरवल दिया होगा। फॉर एग्जांपल एक क्लास में हमें दे रखा है कि मार्क्स की रेंज दे रखी है 0 से 10 में, लेट से 8 लोगों के मार्क्स थे, फिर 10 से 20 में लेट से 12 लोगों के मार्क्स थे, फिर 20 से 30 में 10 के थे, 30 से 40 में 11 के थे, एंड 40 से 50 में 9 के हैं, ठीक है। दिस इज माय फ्रीक्वेंसी, दिस इज माय क्लास, क्लास इंटरवल या क्लास जो भी कह लो। अब इसके बाद हम क्लास मार्क निकालते हैं। क्लास मार्क ये सब काफी कॉन्सेप्ट आप बचपन में सीख के आए, बट फिर भी क्लास मार्क क्या होता है, अपर माइनस लोअर, अपर लिमिट ऑफ द क्लास माइनस लोअर लिमिट ऑफ द क्लास बाय 2 इज द क्लास मार्क। सो नाउ इन दिस केस पहला क्लास मार्क आ गया 5। नेक्स्ट में आप देखो 20, अब नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, सॉरी क्लास मार्क का फॉर्मूला है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, तो 0 प्लस 10 बाय 2 हो गया 5, फिर 20 प्लस 10 बाय 2 हो गया 30 बाय 2 विच इज 15। ऐसे ही जब तुम आगे चलते जाओगे तो ये ऐसे बदलता जाएगा। एक चीज ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि आप देख सकते हो क्लास मार्क्स जो है वो क्लास साइज के ही डिस्टेंस पे है। जैसे पहला क्लास मार्क 5 है, फिर क्लास साइज 10, तो 5 में 10 ऐड कर दो नेक्स्ट क्लास मार्क आ जाएगा विदाउट इवन कैलकुलेटिंग 10 प्लस 20 बाय 2 या 20 प्लस 30 बाय 2 या 40 प्लस 50 बाय 2। यू कैन डायरेक्टली यूज दिस मेथड। पहले का क्लास मार्क निकालो, फिर जो भी क्लास साइज है वो ऐड करते जाओ, बट यू विल ओनली यूज दिस मेथड व्हेन द क्लास साइजेस आर सेम, ठीक है, नहीं तो नहीं लगा पाओगे। अब क्या कर दो यहाँ पे f इंटू x निकाल दो, तो ये हो जाएगा 8 × 5 = 40, ये हो जाएगा 180, फिर नेक्स्ट आ जाएगा 250, फिर उसके बाद नेक्स्ट में आ जाएगा 385 और 405। फिर आपको एफ एक्स का सम करना है, एफ एक्स का सम करना है, एफ इंटू एक्स जो भी हमने वैल्यू निकाली 40 + 180 + 250 + 385 + 405, इन सब का सम करके तुम लिखोगे तो आएगा 1260। अब मेरा मीन का डायरेक्ट में फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट मेथड में मीन एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। सिग्मा का मतलब होता है इस साल जो सिग्मा करके एक हम कैरेक्टर्स देखेंगे, सिग्मा का बस मतलब होता है कि समेशन ऑफ, यहाँ पे जो मैंने लिखा है सिग्मा उसका मतलब है समेशन, मतलब यहां से यहां तक सबका सम, ठीक। तो अब मैंने सिग्मा एफ एक्स निकाला वो था 1260, मैंने सिग्मा एफ की बात करी, सिग्मा एफ मैं यहाँ पे अगर सम कर लू 8 + 12 + 10 + 11 + 9 वो 50 हो जाएगा। अब इनको डिवाइड कर लो, ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 25.2। तो 25.2 इज द मीन मार्क्स ऑफ द क्लास, ठीक है। जनरली मीन आप समझना जो भी बीच वाली क्लास है ना उसमें ही लाई करना चाहिए, उसी के आसपास होगा। अगर यहां मैं मीन कैलकुलेट करूं और आंसर 40 में आ जाए तो शायद गलत होगा। क्यों गलत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसीज देखिए, फ्रीक्वेंसी आपको 8, 12, 10, 11, 9 आराम से मतलब स्प्रेड फ्रीक्वेंसी है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सारे मेरी जो मीन हो जाए वो बायस टुवर्ड्स 40 हो जाए। हाँ, अगर यहाँ पे 90 होता और बाकी 8, 12, 10, 11 होते तब इन दैट केस हो सकता था, यहाँ पे सिर्फ 9 है, इक्वली स्प्रेड चल रहा है, तो इट इज नॉट पॉसिबल अगर इन दैट केस माय mean becomes 40 point something, ठीक है। So that is a way to just cross check कि मैंने गलत calculation तो नहीं कर दी। These are some thumb rules which you should apply to see whether the data that you have
processed has been done right or wrong, in the right or wrong fashion. अब देखो हमने आपको मीन का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था जब हमने नाइन्थ में आपसे बात करी थी, तो हमने पढ़ा था कि मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. अब हम आपको बोल रहे हैं मीन है सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ. एक्चुअली हम वही चीज बोल रहे हैं. सिग्मा एफ एक्स का मतलब क्या हुआ, मैंने कहा 5 को 8 बार लिखो, 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 8 times सम करो तो भी 40 आएगा, 8 × 5 कर लो तो भी 40 आ जाएगा. सो इट मेक्स सेंस फॉर अस टू डायरेक्टली मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी एंड द नंबर. ऐसे ही नेक्स्ट क्लास मार्क है 15, उसको आप 12 बार लिख के ऐड करो या सीधा 12 × 15 कर लो. तो जो सिग्मा एफएक्स है वो एक्चुअली सारी जो वैल्यूज है उनका सम ही कर रहा है, बट क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मतलब बस इतना होता है वो वैल्यू उतनी बार रिपीट होने वाली है, तो आई कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी विद दैट वैल्यू एंड गेट एक्चुअली द समेशन ऑफ दैट वैल्यू. ठीक है, तो हमने एफएक्स इसलिए कैलकुलेट करा, फिर सिग्मा एफएक्स करा, फिर डिवाइड बाय सिग्मा एफ. सिग्मा एफ मतलब सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, यहाँ सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी 50 आया, डिवाइड कर दिया तो मेरा मीन का आ गया आंसर 25.2. ये हमने करा यूजिंग डायरेक्ट मेथड. अब इसी क्वेश्चन को करने के लिए हम एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन को भी इसी क्वेश्चन से समझ लेते हैं तो काफी इजी रहेगा. ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम एज्यूम्ड मीन से निकाल के देखते हैं. आंसर तो देखो सेम ही आएगा तो हमें पता ही है, बस एज्यूम्ड मीन का मेथड अपन यूज करने का ट्राई करते हैं. तो उसके लिए मैं ये पहले ये चीज रब कर देता हूँ. एज्यूम्ड मीन का मैं फॉर्मूला पहले बता देता हूँ, वो आप एक बार लिख लो कहीं. एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ. ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ. अभी अपन ये थोड़ा और डिटेल में करेंगे तो फिर से समझ में आ जाएगा, बट अभी के लिए बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना. अब इसमें हमें करना क्या होता है, हम एक वैल्यू को मिड वाली को हम मान लेते हैं कि सर यही एज्यूम्ड मीन है, यही मीन है, ये मान लिया जाता है और उसको हम एज्यूम्ड मीन कहते हैं. एज्यूम का मीन का नाम ही बोल रहा है कि एज्यूम कर रहे हैं कि हम एक वैल्यू मीन है. Now we are assuming that the middle value, which is 20 से 30 के बीच में, middle value 25 is mean. ठीक, तो अब मैं इस केस में क्या निकालता हूँ, d निकालता हूँ which is xi minus a. ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखिए xi है 5 minus 25, that means मेरे को मिला minus 20, minus 10, 0. 10, 20. ये मेथड हम इसलिए करते हैं टू ईज आउट ऑन द कैलकुलेशंस. जो कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी, इतने लंबे लंबे नंबर मल्टीप्लाई कर रहे थे 12 × 15, 39 × something, वो ना हो इसलिए हमने इजी करने के लिए स्टेप डेविएशन ये अपना एज्यूम मीन मेथड लगा दिया, जिसमें हमने एक वैल्यू को मान लिया कि एज्यूम मीन वही है और फिर डी निकाला विच इज एक्स आई माइनस ए. So my 5 minus 25 which is minus 20, 15 minus 25 which is minus 10, ये सब निकाल लिया. और फिर अब मैं क्या करूंगा, एफ डी निकालूंगा, एफ इंटू डी. अब इजी है, 8 × −20 चलो फटाक से 160 लिख दिया, 12 × ये फटाक से 120 लिख दिया, 0 × anything is 0. अब 11 × 10 110 लिख दिया, 9 × 20 180 लिख दिया. अब इनको ऐड करने की बारी आई, वो भी जल्दी से कर सकते हैं. 160, 280 हो गया, 280 और इधर अपना आ गया 290, तो 10 आया. ठीक है, अब मैंने तुम्हें बताया मीन, एज्यूम मीन का फॉर्मूला होता है ए विच इज 25 + 10, सिग्मा एफ डी इज 10 अपॉन सिग्मा एफ विच इज 50, तो यहाँ 50 लिख दो. अब ये हो जाएगा 25 + 0.2 विच इज 25.2. assume mean का फॉर्मूला फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ. ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ, ए प्लस सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ. चलो इसको इधर लिख देता हूँ. ठीक है, ये हो गया मेरा फॉर्मूला, नोट कर लो एक बार फिर आगे बढ़ते हैं.
अगर क्लास इंटरवल इवन है, मतलब यहाँ पे तो 5 थे, अगर 6 होगा तो आप थर्ड या फोर्थ कोई सा भी ले सकते हो, अपने आप बाकी फॉर्मूला एडजस्ट हो जाएगा, तुम्हें कुछ टेंशन नहीं लेनी। तुम या तो थर्ड ले लो या फोर्थ ले लो, उनमें से कोई सा भी ले लेते हो, जनरली थर्ड लेना तो बेटर रहेगा, ठीक है। और क्वेश्चन में हमने क्या करा, पहले डी निकाल लिया विच इज एक्स आई माइनस ए, तो हमने क्या करा, एक्स आई था मेरा 5 और ए था 25, माइनस का माइनस 20, माइनस 10, 0, 10, 20 आ गया, फिर एफ इंटू डी निकाल लिया, मल्टीप्लाई कर दिया फ्रीक्वेंसी और डेविएशन को, डी इज डेविएशन, ना कितना डेविएट कर रहा है फ्रॉम एज्यूम मीन वो है, तो एफ डी निकाल लिया, एफ डी का सम कर दिया 10 आ गया, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाया, एज्यूम में फॉर्मूला होता है मीन का, ए प्लस सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ, ए था 25, सिग्मा एफ डी था 10 अपॉन सिग्मा एफ है 50, ऐड कर दिया, आंसर निकाल लिया। फॉर्मूले में कभी कभी आई भी लिख के आएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, आई का बस इतना मतलब होता है, जैसे यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है आई इज इक्वल टू 1 to 5, मतलब 1 से 5 तक की वैल्यूज, ये फर्स्ट एंट्री है, ये सेकेंड एंट्री है, थर्ड एंट्री, फोर्थ एंट्री, फिफ्थ एंट्री। तो जब मैं एफ आई एक्स आई बोलता हूँ, एफ वन एक्स वन मेरा, या एफ वन डी वन बोलूंगा, तो एफ वन डी वन ये वाली एंट्री होगी, एफ टू डी टू ये वाली होगी, एफ थ्री डी थ्री ये होगी। सिग्मा जब लगता है इसका मतलब होता है ना कि नंबर ऑफ एंट्रीज का सम, तो बस यहाँ पे बोल रहा है कि एफ वन डी वन विच इज 160 प्लस एफ टू डी टू विच इज 120 ऊपर वाली लाइन में, फिर एफ थ्री डी थ्री विच इज 0 ऐसे, और नीचे एफ आई का मतलब है कि एफ वन विच इज 8 प्लस एफ टू विच इज 12 प्लस एफ थ्री विच इज 10 ऐसे, ठीक है। इन केस ऑफ स्टेप डेविएशन मैं डेविएशन भी निकालता हूँ, मतलब हर स्टेप पे कितना डेविएशन हो रहा है ये निकालना होता है। तो डेविएशन को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए बाय एच। तो अब आप देखो पहले केस में क्या हो जाएगा, -20, एच होता है क्लास साइज, तो -20 बाय एच, एच इज 10, -20 बाय 10 क्या हो गया -2, -10 बाय 10 -1, 0, 1, 2। अब देखो ये और इजी कर देगा कैलकुलेशन को, क्योंकि अब तो 10 भी नहीं है, सीधा सीधा 2, 1 ऐसे होगा। स्टेप डेविएशन में हमेशा 1, 1 का डिफरेंस होता है जब तुम यू निकालते हो, तो जब तुमने एक्स आई माइनस ए निकाल लिया विच इज -20, तो डिवाइड बाय 10 करोगे तो -2 हो जाएगा, फिर -1, 0, 1, 2, तो 1, 1 का डिफरेंस होता है, एक बार पहला निकाल लिया तो 1 ऐड करते जाओ, ठीक है। फिर अब निकाल लो एफ इंटू यू, मतलब फ्रीक्वेंसी इंटू ये, तो -16, -12, 0, 11 और 18, अब इनको सम कर दो तो तुम्हें आ जाएगा 1, ठीक है। अब हमें जो फॉर्मूला होता है ऑफ स्टेप डेविएशन वो होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं, ए विच इज 25 प्लस सिग्मा एफ यू आया 1 अपॉन सिग्मा एफ विच इज 10 विच इज 50 इंटू 10, ये कट गया, बचा 25 प्लस 1 बाय 5 विच इज 2, तो हो गया मेरा आंसर 25.2। समझ में आया, स्टेप डेविएशन में हमें क्लास साइज चाहिए होती है, क्लास साइज को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लास साइज क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जैसे इस केस में क्लास साइज मेरी जो है वो है 10 जो मैंने इधर निकाली, अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ये एच लिखा हुआ है, राइट, तो मैंने बोला एक्स आई माइनस ए बाय एच, तो मैंने अब हर टर्म के लिए एक्स आई माइनस ए निकाला विच इज -20 पहले वाले के लिए, बाय 10 करा तो -2, -1, 0, 1, 2 आ गया। अब एफ यू निकाल लिया फ्रीक्वेंसी इंटू यू, तो -16, -12, 0, 11, 18 आ गया, सम कर लिया तो 1 आया, सिग्मा एफ यू 1 आया। अब एक्स ए का फॉर्म, एक्स बार का फॉर्मूला होता है ये, जब स्टेप डेविएशन लगाते हैं तो फॉर्मूला बनता है ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच, ये मेरा यू लिखा हुआ है, ए प्लस सिग्मा एफ यू बाय सिग्मा एफ इंटू एच। तो अब मैंने क्या करा, मैंने बोला 25, ये यहाँ पे देखो 25 ए है प्लस 1 बाय 50 इंटू 10, ये कट के 1 बाय 5 हो जाएगा, तो 25 प्लस 1 बाय 5 विच इज 0.2,
So 25.2 becomes my answer of अपना mean of this data. और ये आप देख लो, direct में भी same आया, assume mean में भी same आया, step division में भी same आया. In next turn we will do more questions on mean and we'll start using. See you soon.